शिवा जी, जिस घृणा, जिस हिंसा की बात अभी रविकांत जी कर रहे थे कि वो हमारे अंदर पहले से भरी हुई थी, वो दूसरे रूपों में थी, टारगेट दूसरे थे, लेकिन क्या ये मोदी राज का कमाल है कि उन्होंने एक नई तरह की घृणा और हिंसा को उसने और बढ़ावा दिया है और उस पर अल्पसंख्यकों को चुना है, क्योंकि एक राजनीति के तहत ये करना उनके लिए जरूरी है। गुजरात में उन्होंने किया, ये मणिपुर में किया, कर रहे हैं, यूपी में काफी दिनों से चल रहा है, उस पैमाने पर ना दिखा हो, लेकिन ये जो इसके जो अभी झलकियां दिख रही हैं वो उसी का परिणाम है। मुकेश साहब, इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिसकी मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी है। हमारे देश में महिला और बाल कल्याण मंत्रालय है, उसकी भी मिनिस्टर स्मृति ईरानी है। ठीक है, अगर वो इस महिला के ऐशो आराम और मंत्रालय का सारा पैसा इस देश की जनता के टैक्स से जा रहा है और वो अपना काम नहीं कर रही है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये बताइए कि ये किसकी गलती है? क्या ये ऊपर से नहीं कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है होने दो, हम रोजगार नहीं दे पाए हैं हिंदू युवाओं को, अब उनको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही आपराधिक रोजगार बचा है कि वो मुसलमानों को लूटें, उनको लिंच करें, उनको उनकी दुकानों को लूट लें, उनको रास्ता चलते लूट लें, और हर एक को ये कह दिया जाए कि ये गौरक्षा हम कर रहे थे, ये गौकुशी करने वाले हैं, और ये कह के उनका सब कुछ लूट लें। और जितना लिंचिंग होती है उससे ज्यादा लिंचिंग ना हो, इसकी सौदेबाजी में जो पैसे का आदान प्रदान होता है, मैं आपको बताऊं, ये मनु मनेसर वगैरह का जो गैंग चल रहा है वो गैंग बिना पैसे के, पेट्रोल के नहीं चल रहा है, उसमें जो फ्यूल है वो वहीं से आता है कि आप वो बार लगातार ये लोग लोगों को रोक करके जान की बख्शीश करने का सौदा करते हैं और वहां से आता है। तो आपने का जो सवाल है वो सवाल सारा का सारा व्यवस्था का है। अगर प्रोफेसर रविकांत जो कह रहे हैं, जो प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा कि ये सब कुछ था लेकिन व्यवस्था ने उसको दबा के रखा था, बल्कि ये कम होने लगा था, ये हमें लग रहा था कि धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं ये कहूँ कि 10 साल पहले ये घटना घटी थी, 25 साल पहले ये घटना घटी थी। भाई ये घटनाएं कम होनी चाहिए, इसी को तो विकास कहते हैं, इसी को तो आगे बढ़ना कहते हैं, इसी के लिए तो ये सारे कमीशन और मंत्रालय बनाए गए थे, माइनॉरिटी कमीशन, महिला कमीशन, SC ST कमीशन, ये सारे कमीशन किस लिए बनाए गए थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन सारे कमीशन को कोमा में डाल दिया गया है, इनमें सब में पदाधिकारी बैठे जिनकी तनख्वाहों का बोझ और जिनको चलने का बोझ हम सब पर है, हम और आप उसका टैक्स का पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये जो दिखावटी सारी व्यवस्था, इतनी बड़ी राष्ट्र राष्ट्र राज्य की जो व्यवस्था हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है, उसमें गरीब आदमी, देखिए किसी अंबानी, अडानी, टाटा को थोड़ी ना सरकार की जरूरत है, उसको पर कौन जुर्म कर रहा है, हमें जरूरत है, आपको जरूरत है, और हमसे निचले तबके के जो लोग हैं उनको ज्यादा जरूरत है। ये जो जरूरत है, जिसके लिए वो एक अगर टूथपेस्ट खरीदता है तो भी टैक्स देता है, अगर पानी की पानी अपने घर में नल में पानी उसके आता है तो उसका वो टैक्स देता है, ये व्यवस्था ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है कि उसके बारे में बात नहीं करेगा। तो जो आप जो अभी तक जो हेट क्राइम्स और जातिवादी क्राइम्स के ऊपर का जो जिक्र है, हाँ है, लेकिन अब आप ये बताइए कि क्या इन ट्रेजिडीज को दोहराने के लिए हमने नई सरकार हम चुनते हैं, हम नए नए मंत्रालय और नई नई चीजें कर रहे हैं और इतने भारी टैक्सेस दे रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? तो एक राष्ट्र राज्य के तौर पे हमें अनाथ छोड़ दिया गया है, इस देश के अमीर हो या गरीब हो मुसलमान को अनाथ छोड़ दिया गया है, इस देश की महिलाएं जब तक वो जो पुरुषवादी व्यवस्था है उसके साथ है तब तक तो ठीक है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि आपके साथ प्रोग्राम किया था, एक बाबा उनको फ्री प्लॉट कह रहा था, महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को फ्री प्लॉट कह रहा था, ये सारा कुछ आप जब तक, जैसे पूर्वानंद साहब कहते हैं कि आज्ञाकारी नागरिक जो है, आज्ञाकारी मासेस, प्रजा, बस उनको वो चाहिए, जैसे ही आप कुछ भी अपने लिए बात करते हो बात खत्म हो जाती है, वहां पर आपके लिए सरकार राष्ट्र नहीं होता है। मुसलमान के सबका सवाल जो आज भारत में है वो ऐसा सवाल है जैसा किसी, मुझे तो नहीं नजर आता कि कहीं पर भी जो विकासशील देश हैं, जो इकोनॉमी की इतनी बड़ी बातें करें, जो चांद पर जा रहे हों, वहां ऐसा भी साथ में चल रहा हो। तो ये अजीब अजीब हताशा का दौर है हम सबके सामने, और स्मृति ईरानी को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए था, वो माइनॉरिटी की मिनिस्टर भी है और वो महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय की भी है, वो कर क्या रही है?
नहीं, वो कोई एक ऐसा तर्क ढूंढ रही होंगी कि दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ था, और वो उस देखिए तरह का तर्क टिकैत, ढूंढ ये रही। जो टिकैत टिकैत बंधु इंट्रोड्यूस किए गए, पहलवानों के साथ भी उन लोगों ने धोखा किया था, और यहाँ पर भी एफआईआर ना हो, एफआईआर वापस ली जाए, इसकी सारी कोशिश है। तो ये जो ब्रोकर्स हैं, सरकारी ब्रोकर्स हैं, जो टोंगा पहन के आते हैं, विपक्ष का विपक्ष अपने को दिखाते हैं और काम सरकार का करते हैं, इससे भी जनता को बहुत सजग रहने की जरूरत है कि जहां बिल्कुल, अपराध हो रहा, मैं अपराध की सजा, जब तक सजा नहीं होगी अपराध की, तब तक अपराध रुकेगा कैसे? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।